बिहार में लालू और नीतीश की पार्टी में झगड़ा बढ़ता जा रहा है। आरजेडी सांसद तस्लीमुद्दीन के बाद अब रघुवंश सिंह ने भी नीतीश पर हमला बोला है। तस्लीमुद्दीन ने तो लालू से मांग की है कि वो नीतीश सरकार से समर्थन लेकर अपनी सरकार बनाने की पहल करें। जवाब में जेडीयू ने मांग की है कि लालू ऐसे नेताओं को बाहर करें। कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तो मोर्चा खोला ही। नीतीश के सहयोगी लालू की पार्टी के नेता भी आग उगल रहे हैं। अररिया के आरजेडी सांसद तस्लीमुद्दीन ने तो लालू से मांग की है कि वो नीतीश सरकार से समर्थन वापस लेकर अपनी सरकार बनाने की पहल करें। वो तो अपने को सबसे बड़ा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, उसको मुखिया नहीं बनाएगा तो प्रधानमंत्री आरएसएस का से बड़का चमचा था। अब लालू से बात करेंगे, साहब जो है उसको हटाइए, अब अपना अलग हो जाइए, अलग हो जाइए, उतना आदमी की जितना कमी है हम लोग पूरा करा देंगे चौ तरफ से। एक दिन पहले लालू के घर से बाहर आकर इन्हीं तस्लीमुद्दीन ने नीतीश से इस्तीफे की मांग की थी। तस्लीमुद्दीन के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी खराब कानून व्यवस्था के लिए नीतीश को ही जिम्मेदार ठहराया है। समस्या जब उठेगी तो सरकारी ना जिम्मेदार होगी, दूसरा आदमी कौन है? सरकारी ना जिम्मेदार है, कोई भी सरकारी से न सवाल लोग उठाए हैं। अदना आदमी का तो नहीं मतलब है, आम आदमी तो पीड़ित है, दुखी है, तो आम आदमी अपेक्षा करता है कि सरकार हमको सहूलियत करे, कोई आफत हो जाए तो सरकार हमारी मदद करे। तस्लीमुद्दीन और रघुवंश सिंह का बयान नीतीश की पार्टी को तीर की तरह चुभा है, इसीलिए जेडीयू के नेता अब लालू पर कार्रवाई का दबाव बना रहे हैं। बार बार गाली बकना, घर पर बयान देना, ये क्या दर्शाता है? महागठबंधन के गांठ को कमजोर कर रहे थे। मैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव से मांग करता हूं कि ऐसे नेताओं के ऊपर लगाम लगाए, इन्हें तो कार्रवाई करें। क्या कार्रवाई? पार्टी से निकाले, हद हो गया, ऐसे थोड़े चलता है महागठबंधन। लालू कार्रवाई करेंगे या नहीं ये तो बाद की बात है, बड़ी बात यह है कि लालू की पार्टी में अब अपनी सरकार की मांग उठ गई है। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में लालू के 80 विधायक हैं, जबकि नीतीश के 71, कांग्रेस के 27 सदस्य भी इनके साथ हैं। सरकार चलाने के लिए लालू और नीतीश दोनों को एक दूसरे के साथ की जरूरत है। हालांकि विरोधियों का आरोप है कि नीतीश पीएम बनने का सपना देख रहे हैं और इस वजह से उनको बिहार की चिंता नहीं रह गई है। सिवान हत्याकांड और गया रोडरेज कांड के बाद नीतीश सबके निशाने पर हैं। बीजेपी तो बकायदा इस तरह के स्टिकर चिपकाकर नीतीश के कथित सुशासन पर सवाल उठा रही है।